không được rồi. वेलकम टू गाइस इन आई एम मैं हूँ गिल्ली पे अपनी और ये मेरा एसी जो खराब थोड़ा खराब हुआ है अभी इसको सही करवाना है बताओ मुझे अबे हाँ ये सही हो गया था ये सही हो गया है अब मेरा एसी रात को सही करवा लिया गया था और ये मेरी गिल्ली घर कलेक्शन No. और एक बात आपको पाकिस्तान को आप साफ रखा करें साफ रखा करें ये यहाँ कूड़ा नहीं फेंका करें आप जब भी पिकनिक पे जाए ना तो आप जाया करें सारे शॉपर्स लेके जाया करें और ताकि जो कचरा फेंकना हो ना तो उस शॉपर्स के अंदर फेंकें और घर के किसी डस्टबिन में फेंक घर के किसी डस्टबिन में फेंकें या कोई स्टोर बना लें वहाँ डट्टी वहाँ कोई रख दें वहाँ फेंक दें या आप कोई बड़ा सा या कहीं आप अपनी छत वत पे रख लें कोने कोनों के हिस्से में ताकि उसमें और हमारा पाकिस्तान साफ रहना चाहिए डट्टी हाथों से आप कभी खाना नहीं खाइएगा तो हमारा पाकिस्तान साफ रहना चाहिए सारे बंदे आते हैं कचरा यूं करके कूड़ा फेंकते हैं फिर कहते हैं अरे हाय पाकिस्तान इतना गंदा है ये देखें मेरी गिल्ली कितनी साफ है ये देखें मेरी गिल्ली कितनी साफ है मेरी गिल्ली में कुछ कुछ कचरा है जो मैंने यहाँ रखा हुआ है ताकि मैं पाकिस्तान को गंदा नहीं फैलाऊँ अपनी गैली को मना लूँ मैंने अपनी गैली में थोड़ा कचरा फेंका हुआ अभी मैं इतना कचरा जमा नहीं करता वैसे मैं पाकिस्तान में अपने कमरे में एक कचरा नहीं होता ये तो शैम्पू की बोतल है शीज़ा पेंटिंग शैम्पू एंड शीज़ा स्लग थोड़ी कौन आ रहा है आपको अभी हमें दिखाते हैं कितना घोल रहा है ये देखिए वो देखो कूड़ा वो देखो कूड़ा हमने देखा वो कूड़ा वो देखो वो पाकिस्तान के लिए इन्होंने क्या गंद मचाया हुआ और ये देखें ये होती है पाकिस्तान की सफाई ये कोई होती है पाकिस्तान की सफाई बताएं मुझे होती है वो देखें कूड़ा हमने देखा कूड़ा कितना गंदा होता तो पाकिस्तान जब इससे ज्यादा और कचरों में आ गया ना तो पाकिस्तान का नाम रोशन नहीं हो पाएगा तो पाकिस्तान सबसे गंदा बदबूदार मुल्क बन जाएगा अब बोले अब पाकिस्तान को मना सकते हैं समय बोले मना सकते हैं मैं नहीं करता तो ना करता क्या मैं नहीं करता तो ना करता मुझे बताते हैं ये बताइए कौन चुपन मैन आया था मैं अपने किस अपने स्टोर में गया मैं इतना कचरा मचाया है मैं पता नहीं कहाँ गया तो वो पूरा कूड़े का कचरा
बोली। उनके घर में कैसी होती होगी, बदबू आती होगी, मक्खियाँ उनके घर में बैठती होंगी, है ना। ये देखो मेरे घर में भी बैठी होंगी मक्खियाँ, मगर मेरे ऊपर नहीं। देखा हमने, तो पाकिस्तान ऐसा रहेगा ना और कूड़ा मचेगा तो पाकिस्तान क्या हालत होगी, ये आप ही पता है मुझे।